तरह तरह की बातें अहले इल्म ने इस ताल्लुक से कही हैं, उनमें एक जो साफ सुथरी चीज़ है कि इंसान कोशिश करे कि सूद की उस रकम को हाथ न लगाए, वज़रू मा बक़िया मिन अर-रिबा, छोड़ दे उसे, जैसा कि हमें हुक्म दिया गया, अगर उसका कोई ज़रर हमारे ऊपर मुरतब ना हो रहा हो, हमारी ज़ात पर मुरतब नहीं हो रहा है, और अगर हमें महसूस हो रहा है कि हम उससे ज़रर रसा होंगे, हमारे ऊपर तकलीफ़ आ सकती है, तो उसे हम लेकर और ऐसी जगहों पर सर्फ करें जो किसी भी शख्स की ज़ाती मिल्कियत का सबब न बन रहा हो। किसी भी शख्स की ज़ाती मिल्कियत, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ज़ाती मिल्कियत न बन रहा हो, रिफाह आम जिसको कहा जाता है, रिफाह आम के अंदर उसे सर्फ कर दिया जाए, वो किसी की मिल्कियत नहीं, वो सब की है, किसी की नहीं है। जैसे कि सड़क, सड़क की तामीर के अंदर अगर उस चीज़ को लगा दी गई तो वो सारे लोगों की है, किसी की नहीं है। तो इस तरह के कामों के अंदर अगर उसे सर्फ किया जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं। या कोई शख्स सूदी निज़ाम के दायरे में जकड़ चुका है, पता नहीं था या किसी वजह से उसमें फंस चुका है, अगर सूद से सूद को दफ़ा कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं होनी चाहिए।